अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उमेश खान और मैं वेलकम करना चाहूँगी जितने व्यूअर्स हैं उनको RBS के प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ मौजूद हैं द गॉर्जियस मारिया खान। थैंक यू। और आज हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं मॉल ऑफ गुजर खान, जो कि गुजर खान में बेस्ड है। RBS का हमारा अपना होम प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे, हम पूरा एक टूर करेंगे, उसकी जो इस टाइम पे करंट डेवलपमेंट स्टेटस है, करंट डिटेल्स हैं, वो सारी आप लोगों को बताएंगे। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बारिशों की वजह से हम नहीं जा सके, तो हम लोगों ने फाइनली प्लान आउट किया कि आज हम चलते हैं। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट टूर। और दूसरी बात यह कि पिछली बार हर दफ़ा हम लोग कह रहे थे कि हम जा रहे हैं, फाइनली हमारी ट्रिप जो है, रास्ते में जो भी रास्ते में हमारे जो बिहाइंड द कैमरा शॉट्स होंगे वो भी आपको मज़े के लगेंगे। सो अभी फ़ौरन जो है, जो हमारा चैनल है RBS का, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और अब हमारा सफ़र जो है टूवर्ड्स गुजर खान, मॉल ऑफ गुजर खान की आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए ऑन द साइट उसके लिए तैयार हैं। तो चले मारिया फिर, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। सी यू ऑल, कम विद अस। ओके मारिया, ये ऊपर से जो ब्रिज है ये रवात का एरिया स्टार्ट हो गया है। ये रवात का मेन बाजार है लेफ्ट राइट पर, और इसके आगे जो हम, दिस इज़ मेन GT रोड गोइंग टूवर्ड्स लाहौर। तो अभी हम लोग इस्लामाबाद से निकले हैं तो ये आया रवात। इधर से अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो कहूटा आएगा, और फिर उसके बाद कश्मीर के लिए आप जा सकते हैं इस रोड से, लाइक डटियाल एंड ये आपका रावला कोट, इधर से ही अंदर से आएगा। और ये अब हम सीधा जा रहे हैं टूवर्ड्स गुजर खान। ये देखें, ये राइट पे सारी ये रवात की मार्केट है, विच इज़ गॉट सारे जो मिट्टी के बर्तन और ये नहीं होते बैम्बू के, अगर आपने शेड्स बनवाने हैं, और जितनी फैक्ट्रीज हैं टाइल्स की, वो राइट लेफ्ट पे आप देख सकते हैं। अब हम, ये बाज़ार एंड हो गया, अब इसके बाद लेफ्ट पे कलर सईदा भी आएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन उसका बोर्ड नहीं है। और फिर आगे थोड़ा जाएंगे तो राइट पे ये देखें ना, रावल रवात एंड हो गया, ये देख लें बोर्ड लिखा हुआ है, ये इधर एंड हो गया। सो वी आर ऑन द N5 राइट नाउ। और ये देखो ना, टाइल कटिंग सेंटर, ये सारे जो टाइल्स एंड जितने कंस्ट्रक्शन का काम है ना, इनकी फैक्ट्रीज यहाँ पे। ये देखो ना, बैम्बू का लकड़ी, ये जितने टाल वाले हैं, लाइक सर्दियाँ आ रही हैं तो यू कैन गेट 6 लॉग्स यहाँ से। ये देख लो, इधर से मैंने पिछले साल लिए थे लॉग्स काफ़ी सारे। ये मार्ट भी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लाइक रवाज जहाँ एंड हुआ है उसके बाद भी छोटे छोटे, यही एक एक नॉवल्टी है इसकी GT रोड की, कि आप जब जाते हैं लाहौर, अगर आप उधर से मोटरवे से जाते हैं तो वो सिर्फ एक सांप है जिस पे आप जा रहे हैं। अच्छा, GT रोड से मुझे आपकी मेमोरीज आती है, कुछ आपको गाना भी है ना? GT रोड पे ब्रेका लगी है। मुझे याद है, भी रिसेंटली मैं यहां से, मुझे YouTube पे इसकी रिकमेंडेशन, आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई, तो आई सॉ इट, आई वाज लाइक ओके, तो GT रोड की नॉवल्टी, ग्रैंड ट्रंक रोड की ये है कि जब आप लाहौर की तरफ जाते हैं, रास्ते में इतनी आपके पास प्यारी प्यारी जगह हैं जहाँ की हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी है। ये मियाँ जी का जो होटल है, ये देखें लेफ्ट पे, इधर की दाल बड़ी मशहूर है। तो ये बहुत एक बचपन की भी मेमोरीज, जब हम लोग बाय रोड जाते थे तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड एंड गोइंग टूवर्ड्स गुजर खान, गुजर खान की मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है, बड़े अच्छे वहाँ कपड़े, शॉपिंग, और अब तो माशाल्लाह से डेवलप भी बहुत हो रहा है, मॉल ऑफ गुजर खान एंड यू नो, बड़े प्यारी प्यारी, और उसी को हम देखने अब जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये देखें लेफ्ट पे, कोई ऐसा नहीं कि सुनसान एरिया, आपको कुछ नहीं है रास्ते में, कुछ ना कुछ हैपनिंग है। अच्छा, अभी हम लोग जो है जा रहे हैं मॉल ऑफ गुजर खान, तो अब मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी व्यूअर्स को कि ऑफ़ कोर्स मॉल ऑफ गुजर खान हमारा अपना होम प्रोडक्ट है, तो उससे मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन जो GT रोड है और जो ये पूरा ट्रैवलिंग है उससे मिशी खान ज़्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी। एंड शी वॉज़ लाइक कि मैं वहाँ जाती रहती हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी और आप मुझे प्रोजेक्ट दिखाना। तो हम लोग बेसिकली घूमने फिरने के इरादे से निकले हैं, एंड ऑल्सो हम लोगों ने जो करंट डेवलपमेंट स्टेटस है मॉल ऑफ गुजर खान का, हमने वो भी देखना है, तो दैट्स वाई वी आर गोइंग देयर। तो बाकी ये है कि हम जैसे ही साइट पर पहुँचते हैं आपको मज़ीद डिटेल्स बताते हैं, लेकिन साथ में जो रास्ते में चीज़ें हैं जो क्योंकि मशीन आप खुद आती रहती है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, अभी जहाँ से हम गुजरे हैं दैट इज़ द चक बेली खान रोड, उसके ऊपर सारे फार्म्स हैं और जितने ईंटों की फैक्ट्रीज हैं, लाइक फ्लाई ऐश जो नई ईंट है उसकी सारी फैक्ट्रीज इधर हैं। सो ये देख लें आप, अब चक बेली से अब हम जो है ना, वी आर एक्चुअली
गोइंग टूवर्ड्स, अब हम अगले कोई 15 मिनट तक जो है ना नॉर्मल स्पीड में अगर आप जाएं तो आप पहुंच जाएंगे गुजर खान इंशाल्लाह। ये देखें कितने प्यारे दरख्त हैं, लेफ्ट राइट पे जो है आगे जाके फील्ड्स भी आएंगी। और मैं तो इसलिए कि मैं जब इस्लामाबाद आई थी तो मैंने बहुत बाई रोड ये चीज़ें जगह डिस्कवर की हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों का बहुत अरसे से ये प्लान बन रहा था, लेकिन कुछ मसरूफियात इस तरह की हो गई, फिर बीच में बारिशें स्टार्ट हो गई, बीच में ऑन एंड ऑफ काम रुकता रहा, फिर अभी दोबारा से स्टार्ट हुआ हुआ है, तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा हमारी ये वीडियो डिले हो गई। बट इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी जिस तरह भी हम जा रहे हैं अभी आगे जो है। और जो अगर मैं गुजर खान की बात करूँ, आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था गुजर खान की काफ़ी मतलब बहुत तारीख है, मतलब हिस्ट्री बहुत अच्छी है इसकी। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो अमीर तरीन तहसीलें हैं उसमें से एक है गुजर खान। बिल्कुल ठीक है। तो एक अगर मैं अच्छा मैम आपको एक बात बताती हूँ, जिस तरह मुझे जीटी रोड के बता रही है और सारी चीज़ें जो ये प्रोजेक्ट है ना मॉल ऑफ गुजर खान, इसकी ज़रूरत यहाँ पर पता है क्यों महसूस हुई थी? वहाँ पर गुजर खान में ना कोई भी अभी तक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट मौजूद ही नहीं है जो सोलली कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, जहाँ पे हर तरह के ब्रांड्स हो, हर तरह की चीज़ें हो, कपड़ों की मतलब नॉर्मल तो हैं लेकिन वो जो ब्रांड्स होते हैं ना वो नहीं थे, प्रॉपर जो एक मॉल होता है। तो दैट्स वाई दे केम अप विद दिस आइडिया कि हमें गुजर खान में जो है ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। और वो ख़ुद भी गुजर खान के करीब ही रिहायशी हैं, तो दैट्स वाई दे न्यू बेटर कि उनके इलाके को किस चीज़ की ज़रूरत है। एग्जैक्टली तो अब आप मुझे बताएं कि ये तो अभी तो नॉर्मल स्पीड पर जा रहे हैं, अभी हम 80 पे जा रहे हैं। Okay. वैसे ये जीटी रोड का ये है कि क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक होती है तो रिक्वेस्ट होती है कि आप इस रोड पे ज़रा सा देखते हुए जाएं, और जहाँ आपको फील हो कि खाली थोड़ी सी है तो आपने स्पीड कर ली, अदरवाइज़ आई थिंक थोड़ा सा क्योंकि एकदम से यहाँ पे क्रॉसिंग्स भी आती हैं तो इसीलिए मोटरवे से, बल्कि मोटरवे से पहले आप लाहौर पहुँचते हैं अगर आप अच्छी स्पीड पर जा रहे हो। फिर ये कि रस्ते में एंटरटेन भी होते जाते हैं, खाना भी चाय पानी के बगैर इधर के होटल जो है बेहतरीन खाना, फ्रेश खाना, क्योंकि वो फ्रिज में फ्रीज नहीं हुआ हुआ होता। और इनकी तंदूर की रोटी बहुत अमेजिंग होती है, आटा भी बहुत खालिस होता है, और चाय एंड अभी हम खाएंगे जब तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे जितने लोग देख रहे हैं। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मॉल ऑफ गुजर खान, बस गुजर खान आने वाला है। ओके व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ गुजर खान की साइड पे, और आप लोग देख सकते हैं, आई डोंट नो कि क्लियरली देख सकते हैं नहीं, फर्स्ट फ्लोर जो है ऑलमोस्ट इट्स कंप्लीटेड, और अब सेकंड फ्लोर पे उस पर काम चल रहा है। और बाकी ये भी हम उतरते हैं, थोड़ा सा आपको हम लोग ड्रोन शॉट्स वगैरह दिखाते हैं इसके जो इस टाइम पर करंटली काम चल रहा है, और जो मज़ीद तफसीलात है रेट्स वगैरह की वो हम आपसे उसके बारे में भी शेयर करेंगे। हम लोग मौजूद हैं मॉल ऑफ गुजर खान की साइट पर, और जैसे कि आप लोग हमारी बैक पे देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फ्लोर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो काम है, अभी मेरी बात हो रही थी इनके जो इंजीनियर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, जो भी हवाले से बातचीत हो रही थी, इनका जो प्लान है वो ये है कि 2023 तक के एंड तक वो इसको कम्प्लीटली डिलीवर करना चाहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो फर्दर उसके अलावा जो उसके ऊपर काम हो रहा है वो आप लोग ड्रोन शॉट्स भी देख सकते हैं।
तो इसकी जो इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपको प्रोजेक्ट ऐसा लग रहा है, जिसमें मैंने आपको पूरा इसके थीम समझाया था कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ब्रांड्स आएंगे, फूड कोर्ट है। इस पे हमने लास्ट टाइम भी एक शो किया था, आपसे जिक्र किया था मॉल ऑफ गुजर खान। हाँ। जैसे कदम गुजर खान में मौजूद हैं, आपने हमारी ट्रिप की भी थोड़ी बहुत फुटेज देखी, तो ये है फाइनली मॉल ऑफ गुजर खान। इतनी डेवलपमेंट इसमें हो चुकी है कि इसमें फर्स्ट फ्लोर जो है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, और ये सारी इसके कदम हम लोग गुजर खान में कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं मॉल ऑफ गुजर खान के, सो ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है। एंड आई थिंक वंडरफुल इसकी लोकेशन है, ये सामने जो है जीटी रोड है मेन। अब मेन जीटी रोड पे अगर आपको इतना ज़बरदस्त मॉल जिसके अंदर फूड कोर्ट भी होगा, इसमें शॉप्स भी हैं, इसमें पार्किंग भी होगी और सारी फैसिलिटी जो कि एक मॉल में होती हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। जितने लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो वो इंटरेस्टेड हैं अपनी सिक्योर और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता है कि रॉयल बिजनेस सॉल्यूशंस जो है वो हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लाता है, जो कि पायदारी के साथ साथ बहुत ही मुस्तनद नाम है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, और आपके आँख बंद करके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इधर से ऑलमोस्ट 100,000 गाड़ी जो है जीटी रोड से गुजरती है, मेन जीटी रोड सामने, और ये है मॉल ऑफ गुजर खान। So end of 2023, I think amazing, fast-paced इसकी construction होगी। बिल्कुल। Bravo। बारिश की वजह से जो है कुछ अरसे के लिए काम यहाँ पे जरूर रुका था, but that does not mean कि काम रुक गया है, काम होगा नहीं। इसके जो developers हैं वो हैं Zoom Engineers, जो करेंटली इस टाइम पे इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो उसके करंट प्राइस रेट है, मैं उसके हवाले से आपको बता देती हूँ। जहाँ तक लीगैलिटीज का सबसे पहले जिक्र है, कम्प्लीटली लीगल प्रोजेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उसकी करंट प्राइस रेट अभी इस टाइम पर जो करंट इसकी पर स्क्वायर फीट रेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। वैसे ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, बट स्टिल वी हैव सम इन्वेंट्री लेफ्ट, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी। और अब जो है आपके सामने रिवील होने जा रही है इनकी प्राइसेस, जो कि सोल्ड आउट है जैसा मारिया ने कहा, लेकिन इसमें भी काफ़ी चीजें बच गई हैं जिसकी जो प्राइसेस हैं आपको अब मारिया बताएंगी। जी मारिया, पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले जो लोअर ग्राउंड है उसका जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो है 35,000, उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर है उसका रेट है 60,000 पर स्क्वायर फीट की बात हो रही है। जो मेज़नाइन फ्लोर है वो है 40,000, फर्स्ट फ्लोर इज 35,000 एंड सेकेंड फ्लोर इज 25,000। टोटल 5 फ्लोर्स के ऊपर ये कमर्शियल का प्रोजेक्ट बेस करता है, और टोटल 5 फ्लोर्स हैं इसके, फूड कोर्ट है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, कम्प्लीटली कमर्शियल प्रोजेक्ट, और ये इसका करंट प्राइस प्लान है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो हर वक्त आप लोगों को गाइड करने के लिए मौजूद होते हैं, तो दे विल इंशाल्लाह गाइड यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट। आप लोग विजिट भी करवा सकते हैं, एनी अदर डिटेल दैट यू नीड रिगार्डिंग मॉल ऑफ गुजर खान आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मारिया, आज की ट्रिप बड़ी अमेजिंग रही, एक तो गुजर खान और फिर ग्रैंड ट्रंक रोड से आना और फिर अमेजिंग मॉल ऑफ गुजर खान का टूर आपको करवाना, सो इट्स बीन ग्रेट। स्क्रीन पे इसका जो हमारे चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो नई नई अब वीडियोस आया करेंगी आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। कॉल करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आपके कमेंट का जवाब दें, और साथ साथ कोई भी डिटेल्स हैं इन्वेस्टमेंट, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जो हमारी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उन्होंने करना है, तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप मारिया से कॉन्टैक्ट कर लें तो आपको सब डिटेल्स बता देंगी। एक मुस्तनद जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर आपने यहाँ पे कोई बिज़नेस स्टार्ट करनी है या फिर इसको एज एन इन्वेस्टमेंट वो आपने रखना है, तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर हैं। तो वंडरफुल, थैंक यू, आज बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आना। और एक और चीज़, हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक यहाँ पर दोबारा आएंगे, क्योंकि गुजर खान में एक और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के नाम से, उसकी भी हम लोगों ने आप लोगों को करंट डेवलपमेंट स्टेटस दिखानी है। मैं और मिशन खान हम लोग मिलकर आएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। हमारी इस वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, RBC चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अगली दफा तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। amanat.com, पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।